हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमस एंड व्लॉग्स एंड निटिंग। तो फ्रेंड्स, ये देखिए वूल। तो ये वूल की क्वालिटी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें किस तरीके की वूल लेनी चाहिए अगर हम निटिंग मशीन में यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वूल देखिए, तो ये वूल बारीक है और हमारी निटिंग मशीन में बहुत अच्छे से चलेगी। और इस वूल को भी देखिए, वूल कितनी शाइनी है। और अगर हम स्टॉल बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अगली वैरायटी पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपने ये वूल काफ़ी देखी होगी, इस तरीके की वूल धागों वाली। तो इसका यूज़ जो है स्पेशली स्टॉल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके चार गोले लग जाते हैं एक स्टॉल बनाने में, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कौन सी वूल है ये, ठीक है। और ये वूल देखिए, गंगा की ये वूल है जो कि बहुत ही अच्छी वूल है, ठीक है। और ये देखिए क्वालिटी भी इसकी जो है बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आते हैं हम अभी इस वूल पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जिगजैग पैटर्न हमारा इससे रेडी होगा। और ये जो वूल है बेबी सॉफ्ट ये वूल है। तो हम चलते हैं अगली वूल पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये वूल है ये भी हमारी बेबी सॉफ्ट वूल है और ये कलरफुल में दी गई है। तो इससे जो पैटर्न रेडी होगा वो भी जिगजैग का होगा और इसमें हमें कोई भी डिज़ाइन डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वूल की क्वालिटी की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब ये वूल देखिए हाथ में लेके आपको कैसा फील हो रहा होगा इस वूल को लेके हाथ में। तो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है इस वूल को लेके। अगर हम इसके धागे की बात करते हैं तो धागा देखिए बिल्कुल बारीक धागा है। और हम अगर ख़रीदने जाएंगे तो हम सोचेंगे कि बिल्कुल हमारी निटिंग मशीन में यूज़ हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये हमारी निटिंग मशीन में अच्छे से यूज़ नहीं होगा। और इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल लो क्वालिटी इस वूल की है। तो कभी भी आप वूल को शाइनिंग या उसके कलर को देख के मत खरीदिए। आप वूल की क्वालिटी देखिए, उसको हाथ में लेके फील कीजिए कि वूल एक्चुअल में है क्या। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली वूल की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वूल को देखिए, तो ये देखिए वूल भी ज़्यादा मोटे नहीं है, बारीक ही ये वूल है। तो अगर हम बात करें इसकी कि अगर हम इसको कनेक्टिंग मशीन में यूज़ कर रहे हैं तो ये वूल हमारी मशीन के लिए ठीक नहीं है। और देखने में आपको बारीक वूल लग रही है ये, और है भी फ्रेंड्स ये बारीक ही, लेकिन हम इसको कनेक्टिंग मशीन में अगर यूज़ करेंगे तो हमारी सही से इस पर कनेक्टिंग नहीं हो पाएगी। अगर हम इसको 10 नंबर पे भी चलाएंगे तब भी हमारी कैरिज जो है थोड़ा सा हैवी चलेगा। तो चलिए चलते हैं हम आगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी जो है बेबी सॉफ्ट वूल है। वूल को हाथ में लेके ही फील होते है कितनी सॉफ्ट ये वूल है। तो इसमें कलर देखिए वाइट और ब्लैक। तो मुझे जो ऑर्डर आया हुआ था तो वो वाइट और ब्लैक का आया हुआ था, तो इसलिए मैं वाइट और ब्लैक ज़्यादा लेके आई हूँ। और ये लाइट बेबी पिंक कलर है, लेकिन जो फ़ोन में कलर अभी दिखाया जा रहा है तो वो थोड़ा सा फ़ोन में डिफरेंट कलर आ रहा है। और ये थोड़ा सा डार्क पिंक कलर है, लेकिन फ़ोन में भी जो है अलग नज़र आ रहा है ये। तो थोड़ा सा शेड में पता चल रहा है कि ये कौन सा पिंक कलर है देखिए, और ये ब्लू कलर है देखिए फ्रेंड्स। और ये बेबी पिंक कलर है। तो जब भी आप वूल लेने जाते हैं तो फ्रेंड्स, वूल की क्वालिटी ज़रूर चेक कीजिए कि आपकी वूल की क्वालिटी क्या है, तभी आप वूल को लेके आइए। वरना अगर, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दुकान से वूल तो लेकर आ जाते हैं, अगर हम गलत वूल लेकर आ जाते हैं तो दुकानदार उसको वापस नहीं करते और हमारे जो पैसे लगे होते हैं वो हमारे वेस्ट जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप वूल ख़रीदने जाएं तो सोच समझकर वूल को ख़रीदिए, उसकी क्वालिटी को अच्छे से जाँच परख कर ही आप वूल को ख़रीदिए, ठीक है। और ये सभी जो है बेबी सॉफ्ट वूल है। तो देखिए फ्रेंड्स, और जो ये वूल है, तो ये जो वूल है ये बिल्कुल लो क्वालिटी की वूल है। तो देखिए, इसका हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कई बार हमसे भी गलती हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आप ये गलती मत करो। जब भी वूल लेके आते हो, वूल को अच्छे से परखो, उसको देखो। अब इस वूल को भी देख लीजिए, ये भी वूल हमारी मशीन में यूज़ होने लायक बिल्कुल भी नहीं है और देखने में लग रहा है कि, और वैसे फ्रेंड्स ये जो वूल है बिल्कुल सॉफ्ट वूल है, लेकिन हमारी निटिंग मशीन में यूज़ नहीं हो पाएगी। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नहीं है। एंड थैंक यू माई ऑल फ्रेंड्स।